हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में भी होंगे। चलो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि हम कैसे ग्रीडी माइंडसेट से किसी भी मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है, यानी क्रिप्टो मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी और कमोडिटी मार्केट भी हो सकती है किसी भी मार्केट के अंदर। तो हमारा माइंडसेट वहाँ पे क्या रहता है? ग्रीडी रहता है, क्योंकि हमने बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखे होते हैं। उसको कैसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं वो आप थोड़ा पिछली वीडियो को देख सकते हो अगर आपने वो नहीं देखी है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारे ऊपर फियर हावी होता है, यानी जैसे कि हम मैंने फर्स्ट वीडियो यानी इंट्रो वीडियो के अंदर बताया था साइकोलॉजी के कि कौन से फैक्टर हमारे माइंड पे हावी होते हैं, तो उसमें से सेकंड फैक्टर है फियर। फियर दोस्तों एक ऐसा फैक्टर है जब भी आता है तो लोगों के ऊपर ज़्यादा हावी होता है। क्यों? एज कंपेयर टू ग्रीड, ग्रीड से जो फियर फैक्टर है वो फैक्टर ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। हालांकि ग्रीड भी एक अलग फैक्टर है, बट ग्रीड फैक्टर आने में, ग्रीड एक बार शुरू में आता है और फिर ग्रीड कभी बाद में जाके आता है, बट फियर फैक्टर ऐसा है, मतलब ये मैं एक पूरी जर्नी की बात अगर मैं करूं, बट फियर फैक्टर ऐसा है कि जब आप एंटर कर रहे हो तब भी है, जब ने आपने ट्रेड ले ली है तब भी है, और ट्रेड एग्जिट कर रहे हो तब भी है। तो फियर फैक्टर इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर। सो फियर की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, फियर डेवलप हमारे माइंड में कब होता है और फियर हमारे दिमाग के ऊपर हावी कब होता है? देखो, मान लो आपने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड में क्या हुआ, आपका लॉस हो गया, ठीक है। उस ट्रेड में मान लो आपका 10 रुपये का लॉस हो गया, अगर हम 100 रुपये की ट्रेड ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, मैं सिर्फ मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 100 रुपये पर 10 रुपये का लॉस हो गया, फिर नेक्स्ट आपने एक ट्रेड ली उस पर 5 रुपये का लॉस हो गया, फिर नेक्स्ट आपने एक ट्रेड और ली उसमें फिर 3 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे आप अपने रिस्क को तो मैनेज कर रहे हो, मैं उस सिनेरियो को ले रहा हूँ जहाँ पे रिस्क मैनेज भी हो रहा है, बट फियर वहाँ पे स्टिल है, अभी भी है माइंड के अंदर। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? ऐसे टाइम पे देखो हम क्या करेंगे कि पहले हमें देखना है कि मेरा रिस्क कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। फियर फैक्टर कब आता है? फियर फैक्टर जब आता है जब हमारी कॉन्टिन्यूसली ट्रेड लॉस में चली जाती है, सबसे ज़्यादा यही होता है। और सेकंड होता है कि आपका जब बड़ा लॉस हो जाता है, बड़ा लॉस हो जाता है बिकॉज यू डिड नॉट फॉलो द डिसिप्लिन एंड समथिंग रूल्स लाइक दैट, तो जब क्या होता है तब आपके अंदर फियर फैक्टर हावी होना शुरू हो जाता है माइंड के ऊपर, अरे इस ट्रेड के अंदर लॉस ना हो जाए, ये ट्रेड ध्यान से लेनी है, ठीक है। तो जब आपके ऊपर माइंड के ऊपर फियर हावी होता है तो आप ट्रेड अच्छे से एनालाइज करके नहीं लेते। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि ये ट्रेड मेरी गलत ना जाए, ठीक है, ये ट्रेड मेरी गलत ना जाए, जबकि मार्केट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इवन एवरी गेम इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कोई सी स्पोर्ट्स में चले जाओ, स्पोर्ट्स में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ भी प्रोबेबिलिटी का गेम चलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गेम के अंदर जीतोगे, कोई ज़रूरी नहीं आप गेम के अंदर हारोगे, कोई ज़रूरी नहीं है गेम ड्रॉ जाएगा, ड्रॉ यानी ब्रेक इवन पे जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है गेम के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में भी होता है, और जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो हमेशा गेम की तरह हमें रखनी चाहिए, ठीक है। आर वर्क इज़ कि हमें बस गेम खेलना है, हार जीत चलती रहेगी, बस ये ध्यान रखना है कि वो हार इतनी बड़ी ना हो कि हमें उठने में फिर बहुत टाइम लग जाए, इसलिए हमें रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। अब इसी बात पे हम आ जाते हैं कि रिस्क को मैनेज करते हुए हम फियर को कैसे कम करेंगे। मान लो आप जो है 1 लाख रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब 1 लाख से अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 2% पे होना चाहिए, डेली स्टॉप लॉस के हमारा 2% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन वी विल क्लोज द सिस्टम, वी विल क्लोज द ट्रेडिंग फॉर द डे, वी विल सी इन द नेक्स्ट डे, ओके। तो हम नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे, बट सम पीपल व्हाट दे डू लाइक 2% का लॉस हो गया यार, अब इसको कवर करता हूँ, वो स्टार्ट कर देते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीजन व्हाई 90% ट्रेडर फेल इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो रिवेंज लेने की सोचते हैं, वो मार्केट से रिवेंज लेने के माइंडसेट से चलना शुरू कर देते हैं, और रिवेंज के चक्कर में हमारा माइंड काम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि आप रिवेंज भी ले रहे हो पर आपके माइंड में डर भी है, डर इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर।
अगर डर को आप नहीं जीत डर से आप नहीं लड़ोगे तो आप जीत नहीं सकते। अब डर से कैसे लड़ना है, अभी हम सिर्फ नॉर्मल मैं ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक एक मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस लिखी हुई हैं कि मान लो ट्रेड की ऐसी सिचुएशन है तो हम वहाँ पे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी और आप ज़रूर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोज डलने वाली हैं साइकोलॉजी के ऊपर, एक एक सिचुएशन। मेरा पर्पज है कि मैं एक एक सिचुएशन लेके आऊँ, ठीक है, क्योंकि हर सिचुएशन एक यूनिक सिचुएशन होती है, तो देयर कैन बी लाइक लैक्स ऑफ द सिचुएशन, बट कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ कुछ अलग होता है। तो हर सिचुएशन में कोशिश करूँगा कवर करने की, ताकि जो भी इन वीडियोज़ को देखेगा डेफिनेटली हर एक सिचुएशन जब वो मार्केट को देख रहा होगा तो उसके माइंड में कि आए कि अरे ये सिचुएशन के बारे में तो मैंने समझा था, सोचा था, तो मुझे यहाँ पर ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये हम ट्राई करने वाले हैं, ये मेरी कोशिश रहेगी कि एवरी सिचुएशन आई विल डिस्कस। तो फियर को कवर कैसे करना है, फियर को अपने आप से माइंड से हटाना कैसे है। अब आप 1,00,000 से ट्रेडिंग कर रहे थे, मान लो आपने एक ही दिन में 5,000 का लॉस कर दिया, दूसरे दिन 5,000 का लॉस कर दिया, तीसरे दिन फिर 5-7,000 का लॉस कर दिया, ठीक है। ये हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहे हैं कि लगातार आपने अपने डिसिप्लिन से अबव जाके रिस्क जो है लिया और आपने लॉस किए कंटिन्यूस। अब फिर हमारे माइंड पे बैठ गया, ठीक है, ऐसे बैठ गया, वो नहीं जाने वाला। अब इसको दूर करने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं कैसे प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। अगले दिन ट्रेड करो सिर्फ 5,000 रुपये से। अब बोलोगे मैं तो 1,00,000 से ट्रेडिंग करता, अपनी ईगो को दबा दो, ठीक है। तुम कोई शेरशाह नहीं हो, तुम कोई मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम राजा हो तो बस ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा, नहीं, मार्केट सबको राजा बनाती है, सबको भिखारी भी बना देती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगले दिन क्या करना है, सिंपल सा फंडा क्या कर रख लो कि मेरे पास अगर मैं 5,000 खो भी देता हूँ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ 5,000 से, ठीक है। 5,000 से ट्रेड करना शुरू कर दो, 5,000 से ट्रेड करो। अभी भी ये नहीं कि 5,000 का 5,000 रिस्क पे रख रहे हो, नहीं, सिर्फ 2% का रिस्क लेना है, ठीक है। 2% कितना हो गया, सिर्फ 10 रुपये। अब बोलो यार 10 रुपये तो एक मिनट में हिट हो जाएगा, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ। इक्विटी में ट्रेड करो ना, पहले अपने माइंडसेट को अच्छा बनाओ, पहले अपनी साइकोलॉजी को अच्छा बनाओ, ठीक है। जब साइकोलॉजी थोड़ी अच्छी होने लगे तब जाएंगे ऑप्शन में, यार पूरी ज़िंदगी पड़ी है पैसे कमाने को, क्या जल्दबाजी है, ठीक है। हम गलती क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में चलते हैं, अरे अभी कमा देंगे, ये सेट हो गया ना इतना आएगा ना पता भी नहीं आपको, ठीक है। तो क्योंकि जिनके पास आज उतना है ना तो उन्होंने पहले इसको सेट किया फिर उनको ये मिला, बिल्कुल क्लियर सा फंडा है। किसी की वीडियो सक्सेसफुल ट्रेडर की उठा के देख लो, सीधा सा बोलते हैं यहाँ तुम्हारा साफ़ होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारी नीयत साफ़ होनी चाहिए, यहाँ नीयत खबर ख़राब हुई, नीयत यानी दिमाग ख़राब तरीके से चला, देन यू विल गो टू द बिग लॉसेज, ठीक है। 5,000 से ट्रेडिंग करो, 2% का स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। अब वो 5,000 आपके बहुत दिन चलने वाले हैं, और देखो कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि आपने शुरू किया और आपने बस झंडे गाड़ दिए, अगर एकदम झंडे गाड़ दिए तो एकदम डाउन भी हो जाते हैं, ठीक है। मैंने एक मेरा दोस्त वो बता रहा था कि कैसे उसने एक हफ्ते के अंदर 1,00,000 रुपये को 5-6,00,000 रुपये बना दिया, एक हफ्ते के अंदर उसने एंट्री की मार्केट के अंदर, वो टिप्स पे चला 5-6,00,000 कमा लिया, गाड़ी ले आया। अब यहाँ मन में लड्डू फूट जाते हैं ना, यार हमारे बन जाए तो, पता है वो गाड़ी ले आया EMI पे, इस बेसिस पे कि जब मेरे एक हफ्ते में 5-6,00,000 बन सकते हैं तो डेफिनेटली एक साल में मैं कितना कमा सकता हूँ, ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस ऐसे सोचने लग गया। अब क्या हुआ, गाड़ी ले ली उसने, स्विफ्ट गाड़ी ली थी, तो लगभग उस टाइम पे 5.5 लाख की उसको पड़ी थी, ठीक है, और जिसमें से उसने 1-1.5 लाख, 2 लाख के अराउंड शायद डाउन पेमेंट की थी, इतना कुछ उसने पेमेंट किया था डाउन पेमेंट, बाकी उसने सोचा EMI पे चलाता रहूँगा। अब उसके पास बचे थे 4-4.25 लाख रुपये, उसने उससे ट्रेडिंग स्टार्ट की, बिलीव नहीं करोगे अगले 15 दिन के अंदर उसके 4,00,000 रुपये सिर्फ 20,000 रुपये रह गए। और जब मैंने ये बात सुनी ना मैं हैरान हो गया कि मतलब कभी भी ये मत सोचो कि उसने गलती करी तो हम भी नहीं, उसकी गलती से सीख लो कि ठीक है प्रॉफिट हो गया, दैट डजेंट मीन कि तुम रेगुलर प्रॉफिट बनाने वाले हो। उसने 1,00,000 से शुरू किया था, उसे अपने 5,00,000 निकाल के 1,00,000 से फिर सीखना चाहिए था, क्योंकि उसके पास एक अच्छा बैकअप हो गया। उसने क्या किया, गाड़ी खरीद ली। अब उसके पास EMI भरने के भी पैसे नहीं थे, उसने कहीं से उधार उधार आके EMI भर भुरा के काम चलाया।
तो ये माइंडसेट से बिल्कुल भी नहीं चलना। कई बार होता है कि प्रॉफिट अच्छे हो जाते हैं बाय लक, ठीक है, बट दैट डजेंट मीन कि वो हर बार होंगे, वो कहीं कभी कभी लग जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग में कभी कभी सट्टा चल जाता है, बट हर रोज़ नहीं चलता, ठीक है, 100 बार में से एक बार चलेगा, ठीक है। तो वो एक बार के लिए अपना अपने आप को तैयार रखो और 99 बार कंसिस्टेंट प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखो, सिंपल, फिर अपने आप उड़ जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वैसे मैं मेरी मेरी आदत है मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, क्योंकि ना देखोगे ना 90% जो लूज़ करने वाले हैं ना उनसे ज़्यादा सीखने को मिलना चाहिए हमें, जो 10% सक्सेसफुल हैं उनसे भी सीखो, बट जो 90% लूज़ कर चुके हैं, लूज़ कर रहे हैं, उनसे सीखते रहोगे उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या क्या उनकी गलतियाँ थी, किस पॉइंट पर उन्होंने क्या गलतियाँ की, ठीक है, वो लिख लो या फिर माइंड में अगर आपके फिक्स हो जाते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट, बट फिर भी लिख लो। मैं लिख लेता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ, तो किसी बंदे ने ऐसी गलती की थी, बंदे का नाम नहीं बट उसने ऐसी गलती की थी तो इसकी वजह से उसे ये चीज़ें प्रॉब्लम्स ये प्रॉब्लम्स आई थी, तो फिर वो मैं कोशिश करता हूँ उनको अवॉइड करने की, ठीक है। और यही रीज़न है मैं अपने माइंड पे बहुत फोकस रखता हूँ, जो कि रखना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है। शॉर्ट टर्म में लॉसेज प्रॉफिट्स होते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी साइकोलॉजी को अच्छा करो, अपने ग्रीड और फियर को कंट्रोल करो, ठीक है। कैसे कंट्रोल करते हैं मैंने फियर का इसमें बताया, हल्का सा एक एग्जांपल छोटा सा लेके, और ग्रीड को कैसे करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। और अगर जिसने आज ये पहली बार वीडियो देखी है तो मैं स्टार्टिंग करूँगा इंट्रो से देखो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बिल्कुल बेस से जो है शुरुआत की है इसकी, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक सिचुएशन अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसी सिचुएशन के अंदर कैसा माइंडसेट बनता है, कैसी साइकोलॉजी होती है, कैसे हमें एग्जीक्यूशन करना चाहिए उस सिचुएशन के अंदर। तो उसके लिए तो देखो आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और चैनल को बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, और लाइक तो देखो करना बनता ही है, ठीक है। एफर्ट्स बहुत डालने वाला हूँ, तो आप भी एफर्ट्स डालना, आप भी मेहनत करना, डेफिनेटली वी विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन वन डे। चलो तब तक के लिए बाय बाय, माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फरीन, जय हिंद।